वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. टू चार्जेस की कैलकुलेशन हमने कर ली थी. नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस एंड फोर चार्जेस. क्लियर? सिस्टम ऑफ थ्री एंड फोर चार्जेस, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा. देखिए, जब भी हम वर्क और एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आएगा तो उसका वर्क डन जीरो रहता है. हमने कैलकुलेट कर लिया था, वर्क डन जीरो रहेगा. तो फर्स्ट चार्ज जब आया Q1, लेट अस कंसीडर यहाँ ए पॉइंट पे आया, तो इसका वर्क डन क्या रहेगा? W1 इज जीरो. और वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या था? वर्क का जनरल फॉर्मूला था W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू के क्यू क्यू, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस. अगर 1-2 है तो R12. ये जनरल फॉर्मूला था इसका. देखिए, फिर हम यहाँ B पॉइंट है और यहाँ C पॉइंट है. जब पॉइंट जो कोई भी चार्ज है पॉइंट B पर आएगा, लेट अस कंसीडर Q2 चार्ज पॉइंट B पे आ रहा है, तो इस पे कौन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है? Q1 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है B1. और ये चार्ज यहाँ आ रहा है तो ये इसको अपोज करेगा, अपोज फोर्स लगा के. और जब Q3 आएगा, Q3 चार्ज आएगा, तो Q1 भी इसको अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे टोटल वर्क जो है कितने हो गए? W1 या U1? W1 और U1 तो जीरो हो गया. जब Q1 चार्ज आएगा तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो. मैंने कहा था बेटा कि जो नेचुरल फोर्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में ही वर्क डन कैलकुलेट होता है. जब Q1 चार्ज आएगा तो कोई भी चार्ज यहाँ है ही नहीं. जब चार्ज है ही नहीं, कोई भी चार्ज, Q1 अकेला है, तो किसी भी पॉइंट पे इसको प्लेस करेंगे तो वहाँ कोई अपोज फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वहाँ वर्क डन क्या रहेगा? जीरो. ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था. अब देखो, जब Q2 चार्ज आएगा, ठीक है, ये Q3 नहीं आ रहा, पहले Q2 की बात करते हैं कि भाई ये लेट अस कंसीडर यहाँ पे पॉइंट बी पर जो है आपका Q2 चार्ज आए, तो Q1 इसको क्या करेगा? अपोज करेगा. और जो वर्क होगा उसको लेट अस कंसीडर हम ले लेते हैं 1-2. और 1-2 में पोटेंशियल किसका रहेगा? फर्स्ट चार्ज का. और चार्ज कौन सा है? Q2. बोलो नहीं क्या? अरे क्लियर. और तो W1 2 क्या आ जाएगा? W1 2 आ जाएगा. V1 का वैल्यू क्या है? KQ1 अपॉन डिस्टेंस. ये डिस्टेंस लेट अस कंसीडर हम ले लेते हैं R12, तो यहाँ से आ जाएगी R12. इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. क्लियर है? अच्छा, एक बात क्लियर होगी कि जब दूसरा कोई भी चार्ज आता है तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट चार्ज इसको सेकंड चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा. दूसरा देखिए, अगर लेट अस कंसीडर इन्फिनिटी से कोई थर्ड चार्ज यहाँ पे आया सी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ आ रहा है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट यहाँ है, ये थर्ड चार्ज आएगा. तो देखिए, जब थर्ड चार्ज आएगा तो ये जो फर्स्ट चार्ज है ये भी इसको अपोज करेगा, और ये जो सेकंड चार्ज है ये भी इसको क्या करेगा? अपोज करेगा. ये डिस्टेंस अपन R23 ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस 1 और 3 के बीच की है, तो R13 ले लेते हैं, 3-1 ले लेते हैं, ठीक है. अब वर्क डन कितना होगा बेटा Q3 के लिए? तो एक तो अपने पास दो वर्क आएंगे, एक तो 1-3 आएगा, 1-1 भी इसको अपोज कर रहा है, तो एक तो 1-3 चार्ज आ गए, 1-3 वर्क, 1-3 क्या आएगा? 1-3 आएगा. 1-3 के लिए पोटेंशियल किसका होगा? V1 फर्स्ट चार्ज का, और चार्ज रहेगा Q3. तो पोटेंशियल क्या आ गया यहाँ पे? KQ1 अपॉन R13 और Q3, ठीक है. दूसरा यहाँ वर्क कौन सा? ये भी तो इस पर यहाँ अपोज करेगा, अपोज फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे एक और जो आपके वर्क होगा जो जनरेट होगा वो होगा 2 की वजह से, क्योंकि 2 यहाँ पहले से प्लेस है, तो 2 की वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना होगा बेटा? 2 की वजह से, दो 2 का तो आपके पास पोटेंशियल और 3 चार्ज, तो इस पे आ जाएगा KQ2 अपॉन डिस्टेंस R23 या R23 इंटू Q3. बोलो नहीं क्या? तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? U इज इक्वल टू U1 अकेला, ये U1. फिर आ गया आपके पास सेकंड चार्ज लेके आए थे उस टाइम U12, फिर थर्ड चार्ज लेके आए थे तो 1-3 और 2-3, 1-3 और 2-3, ठीक है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो U इज इक्वल टू, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा?
यू वन जीरो है, जीरो प्लस यू वन टू कितना है, यू वन टू आपके पास ये क्यू टू भी है यहाँ, ध्यान रहे क्यू टू है ना, तो आ जाएगा के क्यू वन इंटू क्यू टू और डिस्टेंस क्या बेटा इसकी आर वन टू, ठीक है, प्लस वन थ्री, देखिए वन थ्री आपके पास है के क्यू वन इंटू क्यू थ्री और डिस्टेंस क्या है वन थ्री, ठीक है, ये आर वन थ्री। एंड नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास टू थ्री, टू थ्री आपके पास आएगा के क्यू टू इंटू क्यू थ्री अपॉन डिस्टेंस है आर टू थ्री, ठीक है। तो टोटल आपके पास वर्क डन आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, के कॉमन है, यू इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आपके पास आ गया क्यू वन टू अपॉन आर वन टू एंड यहाँ से वन थ्री, वन थ्री आर वन थ्री एंड प्लस फिर उसके बाद टू थ्री, टू थ्री सॉरी ये टू और ये थ्री अपॉन डिस्टेंस टू थ्री, ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी या टोटल वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, क्लियर। फोर चार्जेस होंगे तो बेटा फोर चार्जेस की कैलकुलेशन और देख लेते। फोर चार्जेस के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्क जनरेट होगा वो कहाँ कहाँ किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, फोर चार्जेस की कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, नेक्स्ट टॉपिक है ना, फोर चार्जेस की कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखो फोर चार्जेस की कैलकुलेशन, फर्स्ट चार्ज यहाँ पे आया, लेट अस कंसीडर, फर्स्ट चार्ज आया ए पॉइंट पर क्यू वन, तो वर्क कितना हुआ, इधर लिखते जाते हैं, वर्क आएगा इसका यू वन या एनर्जी आएगी यू वन इज इक्वल टू जीरो। जब फर्स्ट चार्ज यहाँ पे आया ए पॉइंट पे, कोई भी इसको अपोज नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर आता है सेकंड चार्ज, लेट अस कंसीडर सेकंड चार्ज इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे आया, यहाँ पे सेकंड चार्ज आया, ठीक है। सेकंड चार्ज आएगा तो कौन अपोज करेगा इसको, फर्स्ट चार्ज अपोज करेगा, तो इससे जो आपके पास एनर्जी जनरेट होगी वो क्या होगी, यू टू, यू वन टू ले लेते हैं और वन टू क्या आएगी के, कौन से दो चार्ज है क्यू वन क्यू टू, Q1 into Q2 और डिस्टेंस R12 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं R12, क्लियर है। अब थर्ड चार्ज आएगा, लेट अस कंसीडर थर्ड चार्ज C पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी से थर्ड चार्ज आ गया, थर्ड चार्ज आएगा कौन कौन अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा, Q1 भी, Q1 इधर अपोज करेगा इसको, अरे बोलो नहीं क्या, ये डिस्टेंस ले लेते हैं R13 और ये डिस्टेंस R23, तो आपके पास वर्क क्या आ जाएगा बेटा, एक तो आएगा इसकी वजह से वन की वजह से, तो ये तो आ जाएगा वन थ्री, वन थ्री क्या आएगा के कौन कौन से चार्ज है, क्यू वन और क्यू थ्री, क्यू वन एंड क्यू थ्री और डिस्टेंस आर वन थ्री, और दूसरा आ जाएगा बोलो टू से टू थ्री, तो दूसरी जो एनर्जी आएगी यू टू थ्री वो आ जाएगी के कौन कौन से चार्ज है क्यू और क्यू थ्री, क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू टू एंड क्यू थ्री डिस्टेंस आर टू थ्री, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब ये तो तीन चार्ज से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हम क्या कैलकुलेट करें, फोर चार्जेस है ना, फोर चार्ज, लेट अस कंसीडर फोर्थ चार्ज आपका यहाँ आ जाता है पॉइंट डी पर, ये क्यू फोर चार्ज आता है, ठीक है। अब पहले से कितने प्लेस हैं, एक तो Q1 इस पर अपोज लगाएगा, तो Q1 लगाएगा वो इधर लगाएगा, ये होगा R14, तो Q1 के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा आपके, मैं इधर लिख देता हूँ 14 क्या आएगा K, कौन कौन से चार्ज Q1 और Q4, Q1 एंड Q4 और डिस्टेंस R14। अच्छा जब ये यहाँ पे आएगा तो ये Q3, Q2 पहले से प्लेस है, तो ये भी इस पर क्या लगाएगा, अपोज फोर्स लगाएगा, अरे बोलो नहीं क्या, तो यहाँ के ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं 24, R24, तो R24, तो एनर्जी क्या आएगी 24 एनर्जी क्या आएगी K, कौन कौन से चार्ज Q2, Q4, Q2, Q4 और डिस्टेंस R24, ये 5 और ये आ गए आपके 6। अच्छा Q3 भी तो इस पे अपोज लगा है, Q3 पहले से प्लेस है,
क्यू थ्री जो लगाएगा, ये डिस्टेंस ले लेते हैं थ्री फोर, थ्री फोर लेंगे तो क्या आ जाएगा यू थ्री फोर, तो ये आ जाएगा के, बोलो कौन कौन सा थ्री और फोर, तो क्यू थ्री एंड क्यू फोर, और डिस्टेंस ले लेते हैं आर थ्री फोर, इसको तो इक्वेशन नंबर सेवन, ठीक है। ये आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वर्क आ गए आपके पास, सिस्टम ऑफ कितने चार्ज का है फोर्स का, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा बेटा, टोटल वर्क लिख देते हैं हमें, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। टोटल एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, वो आ जाएगी आपके पास, ये तो जीरो है, यहाँ से शुरू करते हैं, इन सब में के कॉमन है, के कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ से आ गया क्यू वन टू अपॉन आर वन टू एंड प्लस वन थ्री, तो ये वन थ्री आर वन थ्री एंड प्लस यहाँ पे टू थ्री, टू थ्री ये टू और ये थ्री अपॉन टू थ्री एंड प्लस, फिर है वन फोर, वन फोर आर वन एंड प्लस, फिर उसके बाद टू फोर, ये टू फोर आर टू फोर एंड प्लस थ्री फोर, थ्री फोर आर थ्री, क्लियर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्क हो गए, ये एक तो जीरो है, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल k की वैल्यू में रख दो, तो u इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास आ जाएगा q1 वन इंटू क्यू टू अपॉन आर वन टू, और यहाँ से आ जाएगा q1 वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री, क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री, क्यू वन क्यू फोर आर वन फोर, क्यू टू क्यू फोर आर टू फोर, और लास्ट है Q3, Q4, R3, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, ठीक है। जितने भी चार्ज है उसकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये ध्यान देना है कितने चार्ज पहले से प्लेस हैं, वो जो चार्ज पहले से प्लेस है वो उस पर क्या लगाएंगे, अपोज फोर्स लगाएंगे, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो वीडियो चल रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।